नमस्कार दोस्तों, न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर हमारी खास पेशकश बोलते तारे आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल के माध्यम से विभिन्न कालखंडों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है, जो ग्रह नक्षत्रों की चाल पर निर्भर होता है। ओम गण गण पते नमः का मंत्र का सुबह शाम 11 बार उच्चारण करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं 12 राशियों के तारे क्या बोल रहे हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियों और खेल कूद को शामिल किया जाना चाहिए। पैसे की अहमियत को आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया धन आपके बहुत काम आ सकता है। आप किसी बड़ी मुश्किल से निकल सकते हैं। किसी ऐसे के साथ परस्पर संवाद की कमी जिसका आपको बहुत ख्याल है आपको तनाव दे सकती है। आज आप जीवन के सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे। ज्यादा चिंता ना करें, हर चीज समय के साथ ही बदलती है और इसलिए आपकी रोमांटिक जिंदगी में भी बदलाव आएंगे। आप निश्चित तौर पर ऐसे लोग से मिलेंगे जो आपके कैरियर में मददगार साबित होगा। चलिए अब उपाय जान लेते हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ओम गण गण पते नमः इस मंत्र का सुबह शाम 11 बार उच्चारण करने से पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। मेष के बाद वृष राशि की बात करते हैं। अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जो आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। मस्तिष्क जीवन का द्वार है, क्योंकि अच्छा बुरा सब कुछ इसी के माध्यम से आता है। यही जिंदगी की समस्या दूर करने में सहायक सिद्ध होता है और यही सोच से इंसान को आलोकित करता है। धन का आगमन आज आपको कई आर्थिक परेशानियों से दूर कर सकता है। पुरखों की जायदाद की खबर पूरे घर में खुशियां ला सकती है। आपको उदार और स्नेह से भरे प्यार का तोहफा मिल सकता है। बिना गहराई से समझे बूझे किसी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। दिन को कैसे अच्छा बनाया जाए, इसके लिए आपको अपने लिए भी समय निकालना सीखना होगा। चलिए अब उपाय जान लेते हैं। सुबह उठने के साथ ही द्वादश ज्योतिर्लिंगों के नमों का उच्चारण करना नौकरी और बिजनेस में उन्नति देगा। और अब बात करते हैं उपाय के बाद मिथुन राशि की। शारीरिक व्यायाम और वजन घटाने की कोशिश आपके रूप रंग को निखारने में फायदेमंद साबित होगी। जिन लोगों से किसी रिश्तेदार से पैसा उधार लिया था, उनको आज वो उधार किसी भी हालत में वापस करना पड़ सकता है। आपका ज्ञान और हास परिहास आपके चारों ओर लोगों को प्रभावित करेगा। कई लोगों के लिए आज की रोमांटिक शाम खूबसूरत तोहफों और फूलों से भरपूर रहेगी। जितना आप सोच सकते हैं, आने वाले कुछ दिनों में बहुत से अच्छे मौके आपके हाथ लगेंगे। जीवन का आनंद लेने के लिए आपको अपने दोस्त को भी समय देना चाहिए। अगर आप समाज से कट कर रहेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर आपके साथ भी कोई नहीं होगा। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। रोजाना हरी घास पर नंगे पांव चलने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। उपाय के बाद अब कर्क राशि की बात करते हैं। दूसरों के लिए खराब नियत रखना मानसिक तनाव को जन्म दे सकता है। इसी तरह के विचारों से बचें, क्योंकि यह समय की बर्बादी करते हैं और आपकी क्षमताओं को खत्म करते हैं। आज कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसा उधार मांग सकता है। उन्हें पैसे लौटाकर आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि उधार लेने से बचे। अगर आप सामाजिक जलसों और कार्यक्रमों में भाग लेंगे तो आप अपनी सगी साथियों की फहरिस्त में इजाफा कर सकते हैं। कार्यालय में कोई आपको कुछ बढ़िया चीज या खबर दे सकता है। दूसरों की राय को गौर से सुने अगर आप आज वाकई फायदा चाहते हैं तो। आपको अपने जीवन साथी की ओर से खास तोहफा मिल सकता है। और चलिए उपाय जान लेते हैं। अच्छे आर्थिक स्थिति के लिए खाने में कच्ची हल्दी का प्रयोग किसी न किसी रूप में अवश्य करें। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। अपने मनमौजी और जिद्दी स्वभाव को काबू में रखें, खास तौर पर किसी जलसे या पार्टी में, क्योंकि ऐसा न करने पर वहां का माहौल तनावग्रस्त हो सकता है। व्यापार को मजबूती देने के लिए आज आप कोई अहम कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए आपका कोई करीबी आपकी आर्थिक मदद कर सकता है। आज आपको अपने होशियारी और प्रभाव का प्रयोग संवेदनशील घरेलू मुद्दे को हल करने के लिए करना चाहिए। जिंदगी की हकीकत का सामना करने के लिए आपको अपने प्रिय को कम से कम कुछ वक्त के लिए भूलना पड़ेगा। तनख्वाह में बढ़ोतरी आपको उत्साह से भर सकती है। सिंह राशि के जातकों के लिए उपाय जान लेते हैं। पावों के दोनों अंगूठों पर काला और सफेद धागा मिलाकर बांधने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। सिंह के बाद कन्या राशि की बात करते हैं।
आंखों के मरीज प्रदूषण जगहों पर जाने से बचें, क्योंकि धुआं आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप मुमकिन हो तो सूर्य की तेज रोशनी से भी बचें। पैसों की कमी आज घर में कलह की वजह बन सकती है। ऐसी स्थिति में अपने घर के लोगों से सोच समझकर बात करें और उनसे सलाह लें। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दें, उनके सुख दुख के भागीदार बने ताकि उन्हें महसूस हो सके कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं। आज आप अपने प्रिय से अपने जज्बात का इजहार करने में मुश्किल महसूस करेंगे। तरोताजगी और मनोरंजन के लिए बढ़िया दिन है, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं तो व्यावसायिक लेन देन में सावधानी की जरूरत है। आज घर के लोगों के साथ बातचीत करने के दौरान आपके मुँह से कोई ऐसी बात निकल सकती है जिससे घर के लोग नाराज हो सकते हैं। चलिए आप राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। शुद्ध सूती का कपड़ा गरीब स्त्रियों को समय समय पर दान करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपका मन खुश कर देगी। अचानक नए स्रोतों से धन मिलेगा जो आपके दिन को खुशनुमा बना देगा। किसी बुजुर्ग रिश्तेदार की निजी समस्या में मदद करके आप उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। अपने प्रिय के लिए बदले की भावना से कुछ हासिल नहीं होगा, बजाय इसके आपको दिमाग शांत रखना चाहिए और अपने प्रिय को अपने सच्ची जज्बात से परिचित कराना चाहिए। लघु व्यवसाय करने वाले इस राशि के जातकों के लिए आज घाटा हो सकता है, हालांकि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी मेहनत सही दिशा में है तो आपको अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। उपाय जान लेते हैं। सरस्वती जी की पूजा करने से प्रेम संबंध बेहतर रहेंगे। उपाय के बाद वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज दिन कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। आज आप ऊर्जा से लवरेज होंगे। आप जो भी करेंगे उसे आप उससे आधे वक्त में ही कर देंगे, जितना वक्त आप अक्सर लेते हैं। अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित जगह पर रखिए जो आने वाले वक्त में आप फिर पा सके। दोस्तों का साथ राहत देगा। आपका रचनात्मक काम आसपास के लोगों को आश्चर्य में डाल देगा और आपको काफी सराहना मिलेगी। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठान को आघात पहुंचा सकते हैं। आपको और आपके जीवन साथी को वैवाहिक जीवन में कुछ निजता की जरूरत है। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। काले सफेद वस्त्र में लोहे की 5 कील और चूना लपेटकर जल प्रभावित करने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। अब धनु राशि की बात करते हैं। सेहत अच्छी रहेगी। यात्रा आपको थकान और तनाव देगी, लेकिन आर्थिक तौर पर फायदेमंद साबित होगी। घर का कुछ समय से टलता आ रहा कामकाज आपका थोड़ा वक्त ले सकता है। आज आप कोई दिल टूटने से बचा सकते हैं। काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा गुस्सैल बना सकता है। दिल के करीबी लोगों के साथ आपका वक्त बिताने का मन करेगा, लेकिन आप ऐसे कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। घरेलू मोर्चे पर बढ़िया खाने और गहरी नींद का पूरा लुत्फ आप ले पाएंगे। चलिए अब उपाय जान लेते हैं। जेब में तांबे का सिक्का रखना आपकी नौकरी और बिजनेस में 4 चांद लगा देगा। धनों के बाद मकर राशि की बात करते हैं। अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए गंभीर तौर पर प्रयास करें। कोई पुराना मित्र आज आपसे आर्थिक मदद मांग सकता है और यदि आप उसकी आर्थिक मदद करते हैं तो आपके आर्थिक हालात थोड़े तंग हो सकते हैं। पारिवारिक परेशानियों को हल करने में आपका बच्चों जैसा मासूम बर्ताव अहम किरदार अदा करेगा। अपने प्रिय से कुछ भी तलख कहने से बचें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आज का दिन बढ़िया प्रदर्शन और खास कामों के लिए है। अपने जरूरी कामों को निपटाकर आज आप अपने लिए समय तो अवश्य निकालेंगे, लेकिन इस समय का उपयोग आप अपने हिसाब से नहीं कर पाएंगे। वैवाहिक जीवन में चीजें हाथ से निकलती हुई मालूम होगी। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। किसी भी गरीब कन्या को हरा वस्त्र दान करने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। और अब कुंभ राशि की बात करते हैं। आसपास के लोगों का सहयोग आपको सुखद अनुभूति देगा। आज आप घर से बाहर तो बहुत सकारात्मकता के साथ निकलेंगे, लेकिन किसी कीमती वस्तु के चोरी हो जाने की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। शाम को रसोई के लिए जरूरी चीजों की खरीदारी आपको व्यस्त रखेगी। कुछ लोगों के लिए जल्द ही शादी की शहनाई बज सकती है, जबकि दूसरों की जिंदगी में नए रोमांस का अनुभव करेंगे। दफ्तर में स्नेह का माहौल बना रहेगा। आज धार्मिक कामों में आप अपना खाली समय बिताने का विचार बना सकते हैं। इस दौरान बेवजह की बहसों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। चलिए उपाय पर नजर डालते हैं। मीठे चावल बनाकर गरीबों को बांटने से आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। और अब अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं।
भले ही आप उत्साह से लबरेज हो, फिर भी आज आप किसी ऐसे की कमी महसूस करेंगे जो आज आपके साथ नहीं है। आप खुद को नए रोमांचक हालात में पाएंगे जो आपको आर्थिक फायदा पहुंचाएगा। आपका मजाकिया स्वभाव आपके चारों ओर के वातावरण को खुशनुमा बना देगा। आपकी मुलाकात एक ऐसे दोस्त से होगी जिसे आपका ख्याल है, जो आपको समझता भी है। काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा गुस्सैल बना सकता है। आज आप नए विचारों पर परिपूर्ण रहेंगे और आप जिन कामों को करने के लिए चुनेंगे वो आपके उम्मीद से ज्यादा फायदेमंद देगा। राशिफल के बाद उपाय जान लेते हैं। लाल रंग का जूता पहनना नौकरी और बिजनेस में तरक्की देगा। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।